हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोलते हैं। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, एक टर्म आपने सुना होगा, कुंडली। कुंडली सुना होगा ना? कुंडली क्या होता है? हम कुंडली क्या बनाते हैं कि किसी के बारे में पूरी जानकारी। तो जैसे किसी से मैटर होता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे इसकी कुंडली निकालो। कुंडली निकालो का क्या मतलब होता है? पूरा इन्फॉर्मेशन इसका निकालिए। तो वही चीज़ है, किस प्रोसेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से मिल रही है। तो किसी प्रोसेस की कुंडली क्या है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। व्हेन एनी प्रोसेस इज क्रिएटेड देन इट्स क्रिएटर डिफाइन अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज नोन एज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड टास्क कंट्रोल ब्लॉक। जब कोई भी प्रोसेस क्रिएट होती है वाया सिस्टम कॉल, तो जो उसका क्रिएटर होता है, प्रोसेस क्रिएट करने के बाद एक डेटा स्ट्रक्चर या लिस्ट ऑफ सम एलिमेंट्स विच डिनोट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी प्रोसेस दैट इज नोन एज टास्क कंट्रोल ब्लॉक, वो आपका टास्क कंट्रोल ब्लॉक कहलाता है या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यहाँ पर आपको उस प्रोसेस के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है कि उसका नाम क्या है, पता क्या है, कहाँ स्टोर है, क्या खाता है, क्या पीता है, मतलब एक्स वाई जेड। जैसे हम कुंडली निकालते हैं, सो वही चीज यहाँ पे है कि प्रोसेस का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपका क्या कहलाता है? टास्क कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो अगर हम ये एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम देखें, इट इज नॉट फिक्स्ड और नॉट इन अ सेम ऑर्डर, कि आपका फिक्स नहीं है कि इतना ही बारे में, कि जो जितनी इंफॉर्मेशन निकाल पाता है वो उतना निकाल देता है। तो हमने यहाँ पर प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी एंटिटीज को डिस्कस किया है। ये आपका एक लेआउट है, जैसे प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, प्रायोरिटी नंबर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एलोकेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, अकाउंटिंग, नंबर ऑफ रजिस्टर, प्रोसेस स्टेट। ये आपका क्या है? एक प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि ये चीजें होनी चाहिए। तो ये जो आपका कुंडली है, यही आपका प्रोसेस, आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। इसी को हम बोलते हैं पीसीबी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेटीयू में काफी पूछा जाता है। तो ये आपको ब्लॉक डायग्राम वहां पर डिस्प्ले करना होता है कि पीसीबी है क्या आखिरकार। अगर हम एक एक पॉइंट को अलग से हम यहाँ पे समझें, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले है आपका प्रोसेस आईडी। तो प्रोसेस आईडी क्या है? कि प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। भाई अगर कोई भी प्रोसेस क्रिएट की गई है तो उस प्रोसेस का एक यूनिक नेम होगा कि जिस नेम से वो जाना जाएगा, वो यूनिक नेम आपका प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे आप हैं तो आपका भी एक यूनिक नेम है जिससे आप ग्लोबली आइडेंटिफाइड हो। उसी तरीके से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं या कोई भी फाइल स्टोर करते हैं, उसका एक नाम देते हैं। वही चीज यहाँ पे प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन है। सेकेंड वन है प्रायोरिटी नंबर। उस प्रोसेस को जब क्रिएट किया गया तो उस प्रोसेस की एक प्रायोरिटी डिफाइन की जाती है कि ये उसकी प्रायोरिटी है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही रिसोर्सेज एलोकेट करता है। जिस प्रायोरिटी पे होगा उसको उसी तरीके से रिसोर्स एलोकेट किया गया। जैसे सपोज दैट P1, P2, P3, P5 तक के 5 प्रोसेस हैं, एक कोई प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी 3 है, तो उसको थर्ड नंबर पे ही रिसोर्स एलोकेट किए जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर ये इंडिकेट करता है कि जो करेंटली आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है या जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन आपका पेज टेबल्स, वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स या आपका एड्रेस स्टोर करता है कि जहां पर आपका डेटा स्टोर है जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को जरूरत होगा वो वहां से पिक कर लेगा।
इट्स डिपेंड अपॉन द मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसा उस सिस्टम का मेमोरी स्ट्रक्चर होगा उसी अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेशन होगा. दैट मीन अगर सेगमेंटेशन परफॉर्म हो रहा होगा तो सेगमेंट टेबल, पेजिंग परफॉर्म हो रही होगी तो पेज टेबल, इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, इफ एनी प्रोसेस इज गोइंग ऑन देन इट नीड सम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, देन ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेंटेन करे इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उस प्रोसेस को एलोकेटेड हैं. बिकॉज आपको जब डेडलॉक हैंडलिंग करनी होगी तब आपको इस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी. लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स. लिस्ट ऑफ ओपन फाइल क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूशन में आई है तो एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में उसको कुछ प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होंगी, तो वो प्रोसेसेस पहले से ओपन कर दी जाती हैं. उनके एड्रेसेस लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स में डिनोट होते हैं कि ये फाइल्स आपको रिक्वायर्ड हैं, ये यहाँ पर अवेलेबल है. अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है? अकाउंटिंग आपका लॉग मेंटेनेंस होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है कि रिक्लेम ऑल द रीयूजेबल रिसोर्सेज, आपका रीयूजेबल रिसोर्सेज को रिक्लेम करता है. अब भाई रिक्लेम करने के लिए हमको कुछ स्ट्रेटजीज होने चाहिए कि कौन सा रिसोर्स किसके थ्रू यूज किया जा रहा है, कौन सा पैरामीटर किससे यूज किया जा रहा है. तो ये परफॉर्मेंस पैरामीटर को इम्प्रूव करने के लिए आपका जो भी एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन काफी को रहेगा. जैसे आप कंट्रोल और डिलीट करते हैं तो आपको एक टास्क मैनेजर खुल के आता है. टास्क मैनेजर में आप देख सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस से कौन सा रिसोर्स यूज किया जा रहा है, वहां पर आपको पता चल जाएगा. जैसे ही आपका सिस्टम आपका डेडलॉक में जाता है, आपको डेडलॉक हैंडल करना होगा, तो आप वहां से आप स्ट्रेटजीज ले सकते हैं कि कौन सा रिसोर्स किसके थ्रू यूज हो रहा था. नंबर ऑफ रजिस्टर. नंबर ऑफ रजिस्टर आपको पता है कि सीपीयू रजिस्टर्स, सीपीयू में कुछ इनबिल्ट रजिस्टर्स होते हैं, एक्यूमुलेटर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, आपका स्टैक पॉइंटर होता है. तो ये सब क्या होते हैं? प्री प्रोसेस्ड डेटा को स्टोर करते हैं. सपोज दैट आपको कोई भी क्वेश्चन करना है 3+8+8, तो जो पहले आपने 3+8 परफॉर्म किया तो 3+8 का डेटा कहीं आपको स्टोर करना होगा, उस वैल्यू में 8 आपको प्लस करना पड़ेगा. तो फाइनल रिजल्ट से पहले जो प्री रिजल्ट होता है या प्री प्रोसेस्ड डेटा होता है उसको आपको कुछ नंबर ऑफ रजिस्टर्स में स्टोर करना होता है. वो यहाँ पे आपको डिनोट किए जाते हैं कि कौन से नंबर ऑफ रजिस्टर्स आप यूज कर रहे हैं. लगभग जैसे आपका प्रोग्राम काउंटर हो गया, स्टैक पॉइंटर हो गया, एक्यूमुलेटर हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, काफी सारे आपके रजिस्टर्स यूज होते हैं जहां पर आप डेटा को स्टोर करते हैं. यह आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बखूबी पढ़ाया जा चुका है, जहां पर डिटेल्ड आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ाया था, वहां पर आपको सारे रजिस्टर्स दिखाए थे कि कौन कौन से डेटा स्टोर करते हैं. लास्ट वन है प्रोसेस स्टोर स्टेट. आपको प्रोसेस स्टेट क्या होता है? प्रोसेस स्टेट डिनोट द व्हाट द प्रोसेस इज करेंटली डूइंग. ये प्रोसेस आपकी करेंटली क्या कर रही है. तो या प्रोसेस आपके एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में कुछ स्टेट में होगी, न्यू, रेडी, वेटिंग, रनिंग एंड, इन्हीं पांचों स्टेट्स में से किसी ना किसी स्टेट में होगी, वो आपका यहाँ पर प्रोसेस स्टेट में डिनोट किया जाता है. या और प्रोसेस स्टेट के बारे में डिटेल्ड आपको एक दूसरे वीडियो में आपको बताया गया है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं. ये आपका कंप्लीट पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से